नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के ओड़गड़ी ग्राम पंचायत में आए हैं। ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का बुरा हाल है। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक पूरी तरह से जर्जर हो गई है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 जहां संचालित हो रही थी, उस बिल्डिंग से हट के अब केंद्र क्रमांक 5 में संचालित की गई है। आइए, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं, आइए हम इन ग्रामीणों से मिलवाते हैं कि क्या कारण था जो यहाँ से आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 को हटाकर केंद्र क्रमांक 5 में संचालित किया गया है। आंगनवाड़ी क्रमांक केंद्र का इतना बुरा हाल है, हम लोग SDM साहब को कई बार आवेदन दिए इसके बारे में, और लगभग 40-50 बच्चे यहाँ पे थे, और आंगनवाड़ी पिछले 4 साल में उनका मृत्यु हो गया था, और वैकेंसी निकलने पे भी आज तक उनका नियुक्ति नहीं हो पाई आंगनवाड़ी का, और लगभग बच्चों का लापता है, कहाँ बच्चे हैं कहाँ नहीं है। और आज हमारे यहाँ जो है आंगनवाड़ी केंद्र 2 में लगभग बच्चे 100 के आसपास हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र लगाने के, और लगभग सभी जो है कि उस तरफ सब बच्चे अपना घर में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किसी प्रकार की उनको सुविधा व्यवस्था नहीं मिल पा रही। और आंगनबाड़ी के बिल्डिंग का आप बिल्डिंग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से है, ये शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। हम लोग शासन को लगभग महीने 2 महीने 3 महीने में हम लोग आवेदन देते रहते हैं, मगर इससे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस विद्यालय में 2-2 हैंडपम्प लगे हैं, और हिंडाल्को कंपनी के द्वारा प्रदूषित जो पानी आता है और उससे बच्चे पी के लगभग जो है कि हर घर में, ग्राम पंचायत ओड़गड़ी में एक एक घर में 2-2, 4-4 परिवार जो है कि बीमार पड़े हुए हैं मात्र पानी के कारण। और यहाँ पे जो है कि किसी प्रकार की जो है कि न हैंडपम्प पे दवाइयाँ डाली जा रही हैं, और न बच्चों को कोई मलेरिया का जो शासन के द्वारा व्यवस्था दिया जाता है वो नहीं डाला जा रहा है। ये सब हमारे गाँव में स्थिति बनी हुई है। आपके द्वारा बताया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 जो संचालित कर रहे थे उस आंगनवाड़ी का मृत्यु हो गई, तो अभी आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 को संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? अभी नई बिल्डिंग में जो है कि लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ बच्चे नहीं जा पाते हैं, वो लगभग आ चुके हैं और सहायिका संचालित कर रही है, मगर सहायिका का भी पता नहीं है कि वो कब आती है कब जाती है। यहाँ पे विद्यालय में लगभग 2 साल से कोई बात कर रही है। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 की आंगनवाड़ी की जो है मृत्यु हो चुकी है। ये लगभग कब मृत्यु हुई थी? लगभग 2-2.5 साल। इनका कहना है लगभग 2-2.5 साल पहले मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी तक इस आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 के लिए आंगनवाड़ी की नियुक्ति नहीं की गई है। आंगनवाड़ी क्रमांक 2 में सहायिका द्वारा संचालित किया जा रहा है। जी सर, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी उमा शंकर भाई सुना के द्वारा बताया गया कि इस आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 की कार्यकर्ता कुसुम पनिका लगभग 2-2.5 वर्ष पहले मृत हो गए, उनका देहांत हो गया। इसके बाद से ये केंद्र जो इस क्षेत्र में संचालित है, किस वार्ड में संचालित है, यहाँ से सहायिका के द्वारा उसको केंद्र क्रमांक 5 में संचालित किया जा रहा है, ऐसा जानकारी में आ रहा है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी शासन की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, और जो प्राथमिक शिक्षा होती है उससे भी कट गई। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही अपने क्षेत्र में जो हिंडाल्को कंपनी अभी विगत 10 वर्षों से स्थापित हुई है, इसके कारण यहाँ का प्रदूषण जो है काफ़ी स्तर से प्रभावित हुआ है। हमारे बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा ना तो पर्यावरण की दृष्टि से कोई कार्य किया गया है, ना तो विस्थापित के बच्चे हैं उनको कोई सुविधा प्रदान की जाती है। इस तरीके से वेलफेयर का भी कोई उनके द्वारा यहाँ सहयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही हमारे क्षेत्र में जो 2 विद्यालय संचालित थी, प्राथमिक शालाएं थी, मौली गांधी के नाम और आदिवासी व्यक्ति के नाम, उन शालाओं को प्रभावित क्षेत्र में उकालने के कारण कंपनी के द्वारा मात्र 1 विद्यालय बनवाई गई, और आदिवासी व्यक्ति और गरीब जिसमें लगभग 45 बच्चे आज भी दर्ज हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, वो निजी विद्यालय में संचालित हो रहे हैं। इस पर ना तो शासन प्रशासन का ध्यान है और ना ही कंपनी के द्वारा उसमें कोई सहयोग किया जा रहा है। कई बार पत्राचार किया गया शासन को भी कंपनी को भी, लेकिन किसी के द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि आज शासन नित्य प्रति दिन एक नए नए प्रयोग कर रही है विद्यालय के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन वो बच्चे आज भी उन सुविधाओं से वंचित हैं, उनको रहने के लिए, उनको बैठने के लिए, पठन पाठन की सुविधाएँ जो है उनको सुविधाविहीन है। तो
तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है और आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि बात सरकार तक पहुंचे और उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनके द्वारा जो है ये हिंडाल्को कंपनी पर काफी गंभीर आरोप लगाया गया। इनके द्वारा बताया गया कि जो पानी आ रहा है वो प्रदूषित पानी आ रहा है जिसको पीने से बच्चे और यहाँ के ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग को लेके भी काफी जो है आरोप इनको शासन प्रशासन को भी लगाया गया कि दो विद्यालय यहाँ संचालित थे, जो एक विद्यालय हिंडाल्को कंपनी के क्षेत्र में आने की वजह से बंद हो गई है। दोनों आई लेकिन कंपनी द्वारा दोनों विद्यालय को समाहित करने की योजना बनाई है। बिल्डिंग न बनवाने के कारण उनको समाहित किया गया उसके द्वारा, जबकि क्षेत्र की दूरी लगभग 3 किलोमीटर लगभग कम से कम पंचिंग दायरे में आती है। विद्यालय समाहित कर देने से एक विद्यालय दो विद्यालय नाम से कोई फायदा नहीं हो पा रहा बच्चे, इसलिए जो दूसरी विद्यालय कंपनी द्वारा निर्मित नहीं की गई भवन जिसका, वो निजी विद्यालय में संचालित हो। इनके द्वारा बताया जा रहा है विद्यालयों की भी समस्याएं हैं, यहाँ के जो है बच्चे पढ़ने में जो है उनको दिक्कत हो रही है, विद्यालय दूर होने की वजह से वो शिक्षा ग्रहण करने से भी वंचित हो रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया शासन प्रशासन जो है काफी जो है इसके लिए काफी योजनाएं ले आ रही है, लेकिन काफी योजनाएं लाने के बाद भी ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के जो है बच्चे शिक्षा विहीन होते जा रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन वंशमणि द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, 24 न्यूज़ सिंगरौली।